फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू 360 के दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एंसिलरी के बासरमैन और बारबर ट्रेड टेस्ट में आपका क्या क्या पूछा जाने वाला है, किस तरीके से होगा, किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कर जरूर कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके बासरमैन ट्रेड टेस्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बासिंग क्लॉथ मतलब कपड़े धो के बताना होंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको किस तरीके से कपड़े धोना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप दोस्तों यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। अगर घर पर आप नॉर्मली कपड़े धोते हैं, किस तरीके से साफ करते हैं, अलग अलग कपड़े की क्वालिटी रहती है, कॉटन वगैरह जो भी कपड़े हैं दोस्तों उनका आपको बहुत ध्यान रखना है, और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों जिनके अधिकारियों द्वारा, रेलवे के अधिकारियों द्वारा आपको जो भी इंट्रक्शन दी जाएंगी उनको आपको बहुत ज़रूरी तरीके से आपको समझने के बाद ही आपका जो टेस्ट है उसमें आपको काम करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो होगा बासिंग क्लॉथ, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आपका जो टेस्ट होने वाला है 40 नंबर का होने वाला है। अगर आप जनरल के हो तो आपको यहाँ पर 40% मार्क्स मिनिमम लाना है, और अगर SC ST के हो तो यहाँ पर आपको 35% मार्क्स मिनिमम लाना है। अगर इससे आप कम लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आपका जो दोस्तों दूसरा बासरमैन में टेस्ट में होगा आपका अर्निंग ऑफ क्लॉथ, मतलब आपको दोस्तों प्रेस करना भी आना चाहिए कपड़ों पर, अच्छे से प्रेस किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर आपको प्रेस का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए प्रेस करने का। अब आपका जो तीसरा होगा दोस्तों होगा वह होगा फोल्डिंग क्लॉथ, मतलब आपको दोस्तों जो प्रेस करने के बाद शर्ट की फोल्डिंग वगैरह करते हैं, पैंट की फोल्डिंग करते हैं, वह किस तरीके से करते हैं उसको भी आपको आना चाहिए। अगर आप फोल्डिंग वगैरह नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बासरमैन ट्रेड टेस्ट में। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि बासरमैन ने दोस्तों इसी तीनों यहाँ पर तीन जो टेस्ट हैं वही होंगे जिसके लिए दोस्तों आपको 40 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके CVT 1 में मान लीजिए कम नंबर भी आए, अगर आप ट्रेड टेस्ट में अच्छे नंबर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। अब दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो वो होगा बारबर ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हैंडलिंग ऑफ टूल्स, मतलब आपको जो कटिंग बनाने वाले टूल्स होते हैं उन सभी के यहाँ पर नाम वगैरह सारी कुछ जानकारी ले लेना है, और किस तरीके से काम होते हैं उनका सारा कुछ आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, आपका जो बारबर ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसमें आपको अपने जो टूल्स वगैरह हैं खुद ही ले जाना पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक कौन कौन से टूल्स होते हैं शेविंग में, कटिंग में, दाढ़ी वगैरह बनाने में, तो वह सारे टूल्स आपको खुद ही ले जाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आपका दोस्तों जो दूसरा होगा बारबर में टेस्ट वह होगा दोस्तों हेयर कटिंग। तो हेयर कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों इसका तो नॉलेज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। हेयर कटिंग में किन बातों का ध्यान रखते हैं, किस तरीके से उस्तर चलाते हैं, कैंची वगैरह, सारा कुछ यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों आपका इसी में होगा शेविंग को किस तरीके से किया जाता है, शेविंग में किन बातों का ध्यान रखते हैं, ब्लेड वगैरह जो उस तरह वगैरह से करते हैं, जीरो मशीन वगैरह से भी करते हैं। दोस्तों आजकल तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आने लगे हैं शेविंग वगैरह करने के लिए, हेयर कटिंग के लिए, तो दोस्तों उन सभी का आपको यहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप इसको भी अगर इन तीनों टेस्ट को अच्छे से कर लेते तो आपको यहाँ पर 40 में से अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए अब दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।